आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 629वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रंग पंचमी का पर्व आज मनाया जा रहा है, शनिवार 30 मार्च 2024 को। होली का उत्सव का आगाज बुंदेलखंड के एरच से हुआ था, ये शायद आपकी जानकारी में शायद ना हो। रंगों के पर्व होली को लेकर मशहूर हैं अनेक किंवदंतियां और कहानियां। लिमटी की लालटेन के 629वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रंगों का पर्व कुछ स्थानों पर धुरैड़ी, कुछ स्थानों पर धुरैड़ी और रंग पंचमी, और कुछ स्थानों पर धुरैड़ी से रंग पंचमी तक चलता है। सनातन धर्म में रंग पंचमी का त्यौहार होली के पांचवें दिन यानी चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। इस साल रंग पंचमी का त्यौहार आज 30 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दिवाली कहा जाता है, उसी प्रकार रंग पंचमी का त्यौहार देवी देवताओं की होली माना जाता है, जिस तरीके की पौराणिक कथाएं मिलती हैं। रंग पंचमी के दिन वातावरण में हर तरफ अबीर गुलाल उड़ता नजर आता है। मान्यता है कि इस दिन वातावरण में उड़ने वाले गुलाल, जो गुलाल उड़ता है, वो व्यक्ति के सात्विक गुणों को बढ़ाता है और उसके अंदर सकारात्मक भावों को बढ़ाता है। इसके साथ ही तामसिक और राजसिक गुण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस दिन शरीर पर रंग लगाने से ज्यादा वातावरण में रंग फैलाया जाता है। ये त्यौहार आपसी प्रेम और सौहार्द को दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पर्व को बुरी शक्तियों पर विजय का दिन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस गुलाल से, जो गुलाल उड़ती है, इस देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और जब वो गुलाल वापस नीचे आकर घिरता है तो उससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हर तरफ नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों का नाश होता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी देवताओं की कृपा भी इससे मिलती है। जिस तरीके की मान्यताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलाष्टक के दिन भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, जिससे पूरी सृष्टि में शोक व्याप्त हो गया था। लेकिन देवी रति और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और रंगोत्सव मनाने लगे। वो दिन चैत्र कृष्ण पंचमी का था, तभी से रंग पंचमी का त्यौहार इस तिथि को मनाया जाने लगा। ये रंग पंचमी की बात, और चूंकि होली अभी हाल ही में बीती है, रंगों का त्यौहार जिस दिन सभी अपने मतभेद मनभेद भुलाकर गले मिलते हैं, उसका नाम है होली। होली को लेकर तरह तरह की किंवदंतियां और कहानियां बहुत मशहूर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रहलाद भक्त प्रहलाद और होलिका की कथाएँ हैं। देश विदेश में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि आखिर होली पर्व मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका आगाज कहाँ से हुआ। हम आपको आज बताते हैं कि माफिए हम आपको बताते हैं कि होली उत्सव की शुरुआत बुंदेलखंड अंचल से में स्थित झांसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर बमोर विकास खंड के एरच कर कस्बे से हुई थी। एक समय में एरच कस्बा राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करता था। इस तरीके की मान्यता है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सजा सुनाई। प्रहलाद की नारायण भक्ति से वे बहुत नाराज थे। उसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई कि वो अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठकर प्रहलाद आग में बैठेंगे। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। बेतवा नदी के किनारे भी आज कुछ इस तरीके के स्थान हैं जो प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी के गवाह के बतौर मौजूद हैं। होलिका दहन और रंगों को खेलने की परंपरा आरंभ हुई यहीं से। इसके बाद बुंदेलखंड में होली को फाग भी कहा जाता है। ये फाल्गुन माह में आता है। होली के पहले होलाष्टक से ही होली का रंग जमना आरंभ हो जाता है। जगह जगह
टोलियां बैठकर फाग गाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय झांसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर एरच कस्बा है, यहीं से होली की शुरुआत हुई थी। पुराणों के मुताबिक एरच कस्बा सतयुग में एरिकच्छ के नाम से जाना जाता था। एरिकच्छ दैत्य राज हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करता था, उनके राज्य की राजधानी एरच हुआ करती थी। कहा जाता है कि एरच के राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया, जिसके बाद उन्हें ईश्वर से अमरत्व का, अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि वे ना तो दिन में मरेंगे, ना रात में उनकी मृत्यु होगी, ना ही इंसान मार पाएगा और ना ही जान पर। इस वरदान को पाने के बाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप निरंकुश और अहंकारी हो गए। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रह्लाद का जन्म हुआ। भक्त प्रह्लाद नारायण के बड़े भक्त थे। भक्त प्रह्लाद की नारायण भक्ति से नाखुश पिता हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को मरवाने के लिए अनेक जतन किए, वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने प्रह्लाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। जिस स्थान पर प्रह्लाद गिरे थे वहाँ, वह स्थान आज भी वहाँ मौजूद है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य कथा के अनुसार दैत्य राज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक जादुई चुनरी थी, जिसे पहनने या ओढ़ने के बाद आग की लपटों का असर होलिका के ऊपर नहीं होता था। दैत्यराज ने अपनी बहन को चुनरी ओढ़ाकर अपने पुत्र प्रह्लाद, भक्त प्रह्लाद को उनकी गोद में बिठाकर लकड़ियों में आग लगवा दी ताकि प्रह्लाद जल जाए और होलिका बच जाए। ये तो नारायण का चमत्कार था, ईश्वर का चमत्कार था, भगवान का चमत्कार था कि अचानक हवा चली और ओढ़नी होलिका के शरीर से उड़कर प्रह्लाद के शरीर पर चली गई। एक बार फिर प्रह्लाद बच गए किंतु होलिका जल गई। मान्यता है कि इसके बाद भगवान विष्णु ने ना मनुष्य ना जानवर वरन नरसिंह का अवतार लिया और ना दिन ना रात अर्थात वधूली की बेला जो होती है उस बेला में डिकोली स्थित मंदिर की दहलीज पर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, दहलीज पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध किया, अपने नाखूनों से वध किया। इसके बाद से ही एरच नगर में होली का त्यौहार सर्वप्रथम मनाया जाता है और उसके बाद देश भर में होली मनाई जाती है। होली के पर्व पर लोग नकारात्मकता के दहन पर जोर देते हैं। होली पर्व से जुड़ी एक अन्य कहानी भगवान श्री कृष्ण और राधा से के संबंध में है। कथाओं के अनुसार, जिस तरीके की कथाएं हैं उन कथाओं के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव बहुत ही चंचल था। वे अपनी माता से राधा के सुंदर रंग और स्वयं के, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के श्याम वर्ण की शिकायत अक्सर किया करते थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण की माता उनसे कहती हैं कि राधा के चेहरे को अपने श्याम रंग से मेल खाते हुए रंगों से रंग दे। कहा जाता है कि राधा के चेहरे को रंगने की इस कवायद के बाद ही पानी और रंग की होली खेलने की परंपरा भी बन गई। होली के रंगों को खेलने के लिए एक दिन पहले रात को होली दहन की परंपरा है। इस दिन लोग लकड़ी, घास, गाय के गोबर से बने ढेर को जलाकर अपने बुरे कर्म, बुरे विचार, इन्हें भी साथ में जलाते हैं प्रतीकात्मक तौर पर। होली का त्यौहार अपनी संस्कृति और परंपराओं के कारण बहुत प्राचीन काल से मनाया जाता है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्क, मैदान, सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में होली का दहन अनुष्ठान के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों का ढेर बनाना आरंभ कर देते हैं। होली की परंपराएं भी देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ही दिखाई देती हैं। बरसाना की लठमार होली हर जगह प्रसिद्ध है। यहाँ गांव की महिलाएं वहाँ के पुरुषों पर को लाठियों से पीटती हैं। इसके अलावा पुरुष होली पर स्वादिष्ट व्यंजन पकवान भी बनाते हैं, महिलाएं भी स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनाती हैं। इस दिन भांग अथवा ठंडाई पिलाने की परंपरा भी है जो बहुत पुरानी मानी जा सकती है।
होली पर रंग बनाने के लिए प्राकृतिक रंग और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था। ये रंग बहुत पक्का हुआ करता था। कालांतर में जहरीले रसायनों का उपयोग रंग बनाने के लिए किया जाने लगा, जो काफ़ी हानिकारक माना जा सकता है। आज के समय में लोग जिन रंगों का उपयोग कर रहे हैं वो हानिकारक ही माना जा सकता है, त्वचा पर वो रिएक्शन भी करता है। होली का वर्तमान स्वरूप बहुत घिनौना माना जा सकता है। 2-3 दशकों से होली के पर्व पर नशा करके लोग आपस में विवाद करते दिखते हैं। एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मिलन के बजाय अब इसे बहुत ज़्यादा ये कहा जाए गंदगी वाले स्वरूप में को इसमें समावेश करने लगे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती, मानी जा सकती। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में होली का पर्व अपने प्राचीन स्वरूप में लौटेगा, ताकि लोग गिले शिकवे मिटाकर प्राचीन काल की तरह एक दूसरे को गले लगाकर नए सवेरे का आगाज करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 629वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है, तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन सहित समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अन्य खबरें पसंद आ रही हों, तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 630वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।